आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भाजपा की नई रणनीति आज सामने आई। भाजपा ने एक बार फिर अपने पुराने कार्यक्रम को एक नए कलेवर के साथ जमीन पर उतार दिया। जिस प्रबुद्ध सम्मेलन को व्यापारी सम्मेलन के जरिए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यूपी में इतिहास रचा, उसी उन्हीं सम्मेलनों के सहारे लोकसभा चुनाव जीतने की तैयारी है। भाजपा ने इन कार्यक्रमों को लेकर कई नेताओं को ड्यूटी लगाई है, जो लोगों के बीच जाकर प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी में जुट रहे हैं। चुनाव जितना बड़ा है, भाजपा की तैयारी भी उतनी ही विशाल और विरोधियों के लिए बिना शक है। लोकसभा चुनाव में अभी एक साल बाकी है, लेकिन भाजपा की तैयारी अभी से बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। माना जा रहा है कि भाजपा एक बार फिर उसी पुराने फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है, जैसे पिछले चार बार चुनाव जीते। 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 403 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन किए थे। अब लोकसभा चुनाव में भी सभी 80 सीटों पर प्रबुद्ध सम्मेलन की तैयारी है। प्रबुद्ध सम्मेलन में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, वैज्ञानिक और साहित्यकार से संवाद स्थापित किया जाता है। इस अभियान में ये मायने नहीं रखता कि ये प्रबुद्ध लोग किस समाज से आते हैं। इसी तरह एक बार फिर व्यापारी सम्मेलन के जरिए माहौल पैदा किया जा रहा है, यानी भाजपा जिसे अपना सबसे मजबूत वोटर मानती है, उसे भी पूरी तत्परता के साथ बनाए रखने की तैयारी है। बीजेपी एक बार फिर इस लोकसभा चुनाव में 2022 का जो विनिंग फॉर्मूला था उसे ही अपनाने के लिए दिखती नजर आ रही है। 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सभी विधानसभाओं में प्रबुद्ध सम्मेलन कराए गए थे, व्यापारी वर्ग के सम्मेलन कराए गए थे और कुछ तैयारी इस बार 24 के लिए भी ऐसी ही है। उत्तर प्रदेश में इस महासंपर्क अभियान के दौरान अलग अलग जो लोकसभा सीटें हैं वहाँ पर प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं, व्यापारी सम्मेलन हो रहे हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि समाज का कोई भी वर्ग हो, खासतौर से जो इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, रिटायर्ड जज हैं, इसके अलावा जो हम कहें कि कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, इनके जरिए मोदी सरकार की उपलब्धियों को आम लोगों तक पहुँचाया जाए। यानी जिस तरह भाजपा को विधानसभा चुनाव में इस कार्यक्रम का फायदा मिला और वो इतिहास रचते हुए यूपी की सत्ता में लगातार दूसरी बार स्थापित हुई, अब उसी रणनीति पर चलते हुए पीएम मोदी को तीसरी बार दिल्ली की कुर्सी पर बैठाने की तैयारी है। वैसे भी भाजपा ने इन दिनों महासंपर्क अभियान शुरू किया है, जो 30 जून तक चलेगा और इसके तहत आयोजित होने वाले हर कार्यक्रम के लिए पार्टी की तरफ से बेहद महीन तैयारी की गई है। इस अभियान के तहत लोकसभा और विधानसभा में अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं। हर लोकसभा सीट पर 7-7 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जबकि हर विधानसभा सीट पर 4-4 कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अभियान का मकसद हर एक वोटर तक पहुंचना है। इस अभियान को सफल बनाने में प्रबुद्ध और व्यापारी सम्मेलन अहम साबित हो सकते हैं। अभियान जिसे भारतीय जनता पार्टी मूल संगठन प्रदेश में संचालित कर रहा है वो है संयुक्त मोर्चों के सम्मेलन। संयुक्त मोर्चा सम्मेलन जो सभी 403 विधानसभाओं में आयोजित किए जा रहे हैं, चल रहे हैं। भाजपा की कोशिश है कि 20 जून तक हर लोकसभा सीट तक अपने कार्यक्रम को पहुंचा दिया जाए। पार्टी के अलग अलग नेता और मंत्री लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन और व्यापारी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों के प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल हो चुके हैं। मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने रॉबर्ट्सगंज में और राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने घोसी में प्रबुद्ध सभा की। इसी तरह भाजपा विधायक पंकज सिंह ने गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने मुरादाबाद में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, जबकि झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास और भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने अलग अलग जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। इसी तरह बीते दिनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने उन्नाव में व्यापारी सम्मेलन को संबोधित किया था और आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। यानी आने वाले दिनों में इस तरह के और भी कार्यक्रम अलग अलग जिलों में करने की तैयारी है। इस पर सपा ने वार करते हुए इसे प्रोपेगेंडा बताया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी आज तक देश में झूठ बोलने वाली नहीं आई है, जिससे जनता ऊब चुकी है। कहाँ महंगाई कम करेंगे, महंगाई बढ़ गई। बेरोजगारी कहाँ कम करेंगे, बेरोजगारी बढ़ गई। भ्रष्टाचार कहाँ कम होगा, भ्रष्टाचार बढ़ गया। कहाँ काला धन आएगा, सफ़ेद धन भारत के बैंकों से जा रहा है। हर काम में भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहुत डबल तकलीफ दी है, इससे जनता बहुत नाराज है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने यूपी से लेकर दिल्ली तक के तमाम नेताओं की ड्यूटी सेट कर दी है। भाजपा का मिशन सभी 80 सीटों को जीतने का है।
और उसे पता है कि अगर व्यापारी और प्रबुद्ध वर्ग को पिछली बार की तरह इस बार भी अपने साथ जोड़ लिया जाएगा तो ये राह आसान हो सकती है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।